समाज के लोग हैं, जो लोग हैं जिनके बीच में उसके पिता रहते हैं, वो उसके पिता को बुरा समझते हैं क्योंकि उनका पिता का करैक्टर जो है बहुत ही बुरा है और वो अच्छा नहीं समझते हैं। वो उस बेटे को भी ये राय देते हैं, बेटा तू अपने पिता से दूर है। प्रभु यीशु मसीह के मधुनाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे छोटी सी भूल या छोटी सी गलती के विषय में। अक्सर लोग जो होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, छोटी से भूल हो जाती है, उसको इग्नोर कर देते हैं। अरे ये तो छोटी सी बात है, छोटी कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो इसको। मगर आप जानते हैं, छोटी सी छोटी बात भी, छोटी सी छोटी गलती भी हमारे जीवन में बड़े भयंकर परिणाम लाकर खड़ी कर देती है। बहुत से भयंकर परिणाम जो हैं वो हमारे जीवन में दिखाई देने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी ये गलती मत करना कि आप छोटी सी भी गलती जो है आप इग्नोर कर रहे हैं, छोटी सी भूल आपसे हो गई है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको कोई बड़ी बात नहीं समझ रहे हैं। और यही जो लोग ऐसा समझते हैं, उनके जीवन में ये छोटी सी गलतियां, छोटी सी बात, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना जो होता है, ये हमारे जीवन में विनाश का कारण खड़ी कर देती है। अब आप कहोगे कैसे? मैं आपको इसके पहले दो उदाहरण दूंगा, फिर आपको इसका एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो शायद जो है आप कहेंगे शॉक हो जाएंगे, क्या उदाहरण दिया है। पहले मैं दो उदाहरण दूंगा जो आप सबको भी पता है। पहला उदाहरण है, कोई भी जहाज हो या नाव हो, उसमें छोटा सा भी छेद हो जाए तो वो जहाज और नाव के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, और जितने उसमें बैठते हैं उनके लिए भयानक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि वो छोटा सा छेद जो नाव में हो गया है वो उस नाव को, उस जहाज को डुबो सकता है, और जितने उसके अंदर हैं वो भी उसमें पानी के अंदर डूब सकते हैं। एक छोटा सा छेद पूरी नाव, पूरे जहाज को डुबो सकता है। दूसरा उदाहरण, एक छोटी सी फुंसी या कोई चोट लग गई है, छोटी सी बात, वो पूरे शरीर को पीड़ा पहुंचाती है। जितनी छोटी चोटे होती हैं या दाने होते हैं या फुंसी होती है, जितनी पीड़ा वो पहुंचाते हैं, बड़ी चोटें इतनी नहीं पहुंचाती है। बहुत भयंकर पीड़ा पूरे शरीर को। अब देखिए, एक छोटी सी फुंसी के द्वारा, एक छोटी सी चोट के द्वारा पूरे शरीर को पीड़ा हो रही है। पीड़ा में कौन है? पूरा शरीर है। आप कहोगे ये तो मामूली है, ये तो सबको पता है। चलिए, मैं मानता हूं कि आपको ये उदाहरण पता है, परंतु अब जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूं वो आपको नहीं पता होगा। वो ऐसा उदाहरण है कि जब आप उसको सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या उदाहरण है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल कितने भयंकर परिणाम कर देती है। मैं आपको एक लड़का था जो अपने पिता के बारे में, बहुत से लोगों को डायरी लिखने की, कुछ लिखने की आदत होती है, इस लड़के को भी जो थी वो आदत थी, और वो अपने पिता के बारे में एक वाक्य लिखता है, कुछ एक नहीं कई चीजें वो लिखता है। और क्या लिखता है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो लड़का लिखता है, मुझे मेरे पापा बहुत अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे पापा बहुत बुरे हैं, तुम अपने पापा को छोड़ दो, यदि तुमने अपने पापा को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूं मेरे पापा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने पापा को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं जीऊंगा तो अपने पापा के साथ, मैं मरूंगा तो अपने पापा के साथ, क्योंकि मुझे मेरे पापा बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं अपने पापा को कभी नहीं छोड़ सकता। अब ध्यान दीजिएगा, इस पत्र को आपने पूरा सुना। एक लड़का जो है अपने पिता से कितना प्रेम करता है, और उसके पिता का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है उसके पिता का, वो समाज के अंदर लोगों के बीच में अच्छा नहीं है। जो समाज के लोग हैं, जो लोग हैं जिनके बीच में उसके पिता रहते हैं, वो उसके पिता को बुरा समझते हैं क्योंकि उनका पिता का करैक्टर जो है बहुत ही बुरा है और वो अच्छा नहीं समझते हैं। वो उस बेटे को भी ये राय देते हैं, बेटा तू अपने पिता से दूर है।
अगर तू अपने पिता से दूर नहीं रहेगा तो तेरा भी कैरेक्टर बुरा हो जाएगा और लोग तेरे पिता के कारण तुझे भी छोड़कर चले जाएंगे। अब होता क्या है, इस लड़के से एक छोटी सी भूल हो जाती है, एक छोटी सी मिस्टेक। अब वो छोटी सी भूल, छोटी सी मिस्टेक होती क्या है? देखिए, पापा में क्या है, दो पा है, ठीक है, और दोनों पा में आकार डंडा लगा कर आप पापा जो है वो शब्द बनता है। अब इससे क्या हुआ, दूसरा जो पा है, लास्ट वाला जो पापा का पा है, उसमें आकर डंडा लगाना भूल गया। एक छोटी सी मिस्टेक, सिर्फ एक आकर डंडा लगाना दूसरे वाले पा में, यानी लास्ट वाले पापा के लास्ट वाले पा में वो भूल गया। अब मैटर क्या होता है, सुनिएगा जरा ध्यान से, मैटर होता क्या है, हम बहुत सी गलतियां जो परमेश्वर के विरोध में होती, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, परंतु यहां पर जो है इस सच्चाई को जानिए, एक छोटी सी भूल क्या हुई। अब मैं उसी लेटर को, सेम जो उसने बात लिखी है पूरी सेम वैसे ही है, परंतु पापा का जो है अर्थ बदल गया है। अब यहां पर क्या है, मुझे मेरे पाप बहुत अच्छे लगते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारे पाप बहुत बुरे हैं, तुम अपने पाप को छोड़ दो, यदि तुमने अपने पाप को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूं मेरे पाप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने पाप को कभी नहीं छोड़ सकता, मैं जीऊंगा तो अपने पाप के साथ, मैं मरूंगा तो अपने पाप के साथ, क्योंकि मुझे मेरे पाप बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं अपने पाप को कभी नहीं छोड़ सकता। बताइए, एक छोटी सी भूल, कैरेक्टर किसका खराब था, उसके पिता का। लोग किसको बुरा समझते थे, उसके पिता को। परंतु इस पत्र को पढ़ने के बाद या उसके इस लेख को पढ़ने के बाद अब लोग किसको बुरा समझने लगे, उसके बेटे को। एक छोटी सी भूल ने, यार इतना बुरा इंसान है, बताओ लोग इसे समझाते हैं, यानी ये पाप में डूबा हुआ था और इतने घिनौने इतने भयंकर पाप ये करता था कि जिससे लोग परेशान हो गए और लोग इसको जो है समझा रहे हैं कि बेटा तू इन पापों को छोड़ दे, ये पाप मत कर, और ये पाप करना जो है ये गलत है। देखिए, उसने जो बात लिखी अपने पापा के लिए लिखी, मगर एक छोटी सी भूल ने उसके पापा को नहीं, उसके कैरेक्टर को क्या करा, खराब कर दिया। लोगों के बीच में उसके चरित्र को जो है वो खराब कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम जब छोटी छोटी जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, या छोटी छोटी भूल जो हमसे हो जाती है, या हम छोटी छोटी गलतियां जो कर देते हैं और उसको अनदेखा या इग्नोर कर देते हैं, यह हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए आप हमेशा छोटी छोटी गलतियों को देखते रहें, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर ना करें, उसको क्या करें, उसको दूर करने की कोशिश करें कि आपसे छोटी सी छोटी गलती भी ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष जो है ये बातें अच्छी नहीं होती हैं। और इसलिए परमेश्वर जो है वो ये चाहता है कि आपसे कोई भी छोटी सी छोटी गलती ना हो, और इसलिए हमें चाहिए कि हम इन छोटी सी छोटी गलतियों पर ध्यान दें ताकि हमारा जीवन जो है वो उज्जवल बने। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटी छोटी गलतियों से जीवन का घड़ा भर जाता है, और जब वो भर जाता है तो वो छलकने लगता है और वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस मैं यही समझाना चाहूंगा, एक छोटी सी भूल के कारण जो है छोटी सी गलतियों को इग्नोर ना करें, उसको देखें, उसको नजरअंदाज ना करें और उसको अपने जीवन से दूर करें। प्रभु आप सबको आशीष दें।